वेलकम फ्रेंड, मैं हूं विवेक कुमार क्यू एंड ए क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। दोस्तों आज हम बहुत ही आसानी तरीका से विद्युत धारा के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। ये खास करके सभी एग्ज़ामों के लिए, खास करके जो रेलवे हो या किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो या तो नॉन टेक एग्ज़ाम हो, तो इससे क्वेश्चन हमेशा एक या दो या तीन क्वेश्चन हमेशा रहते ही हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसका कुछ मेन मेन पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग मेन पॉइंट देखेंगे क्या, मोलोक्यूल्स। तो दोस्तों मोलोक्यूल्स कहते हैं किसको, तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उसे मोलोक्यूल्स कहते हैं। और ये क्या है, मोलोक्यूल्स का मतलब होता है अणु। अणु रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों अणु जो हैं ये भाग नहीं लेते हैं। अणु से भी सबसे छोटा कण है एक परमाणु। तो परमाणु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है ना कि अणु। क्या है, अणु का दो वो अलग अलग परमाणु में खंडित होते हैं, उसके बाद वह रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के देखिए, यहाँ दो अणु हम मिलकर क्या होता है, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर एक हाइड्रोजन अणु का निर्माण करता है। तो ये अणु हैं से रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन सिर्फ जो परमाणु होते हैं ये रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं आगे है इसका पॉइंट है भी परमाणु के बारे में। तो परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है ये परमाणु कहलाता है। अर्थात कोई भी परमाणु जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि कोई भी जो परमाणु है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। और वह भी उससे ज़्यादा सूक्ष्मतम कण क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ये छोटे छोटे कणों से मिलकर परमाणु बने होते हैं। और क्या याद रखेंगे, ये जो परमाणु हैं ये रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं ना कि अणु, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे ये छोटे छोटे जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या है भाई इसका। तो यह एक विद्युत ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यह एक विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, कण होता है। इसे हम ई या ई माइनस के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं। इसकी खोज जो होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो 1897 ईस्वी में हुई थी, किसने की थी, इसकी खोजकर्ता कौन थे, डिस्कवर्ड कौन किया था, तो जे थॉमसन ने इसका डिस्कवर किया था। आवेश, आवेश इसका जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वह 1.6×10⁻¹⁹ कुलम होते हैं। और यह क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज यानी कि विद्युत ऋणात्मक होता है, और इसका आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कुलम होते हैं। और फ्रेंड ये एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसका द्रव्यमान भी पूछता है। तो इसका आप द्रव्यमान याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो लगभग 9.1×10⁻³¹ kg होते हैं। और फ्रेंड जो होते हैं इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो 1/1836 ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1/1836 भाग होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये पॉइंट। और प्रोटॉन के बारे में देख लेते हैं, तो यह एक धनावेशित कण होता है यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसके सिंबल हम लोग पी प्लस से आप डिनोट करते हैं। और इसकी खोज 1886 ईस्वी में हुआ था। इसे खोजकर्ता कौन थे, गोल्डस्टीन, यानी कि कहा जाए कि गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में प्रोटॉन नामक एक सूक्ष्म कण की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन का किसने खोज की थी, जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। और नामांकन इसका जो है, ये नामांकन है फ्रेंड ये RRB CVT 1 में पूछा था। तो आप देखिए यहाँ गोल्डस्टीन कभी नहीं मारिए, आप इसका नामांकन जो किया था रदरफोर्ड ने किया था। नामांकन किसने किया था प्रोटॉन का, रदरफोर्ड ने। और आविष्कार किसने किया था यानी खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटॉन का द्रव्यमान देख लेते हैं कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672×10⁻²⁷ kg, ठीक है। और इसका आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, बट इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है,
और यहाँ पे जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, अर्थात इसका याद रखेंगे इसका 1.6 गुने 10^19 कूलम होता है। अब न्यूट्रॉन के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड, यह एक आवेशहीन मूलभूत कण है, ये जो है न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, इसके पास किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1832 ईस्वी में किया था। किसने किए थे? जेम्स चैडविक ने 1832 ईस्वी में। और इसका जो द्रव्यमान जो होता है फ्रेंड वो होता है 1.675 × 10^-27 kg होते हैं, और इसे हम लोग जनरली एन के द्वारा डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आविष्कार इसका यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसका इलेक्ट्रॉन का किया था, किसका प्रोटॉन किया था, तो हम एक मैं यहाँ पे ट्रिक्स मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। द द गोप चांद, ठीक है? तो यहाँ देखिए द का मतलब हुआ और ई का मतलब, ई से हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और थ से हुआ टी से थॉमसन, यानी कि जे थॉमसन ने किसका आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन का। उसी प्रकार से आप लिखिए जी ओ से होता है गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन, और पी से प्रोटॉन। उसी प्रकार से आप याद रखिएगा यहाँ पे सी एस ए से चैडविक और एन से न्यूट्रॉन, यानी कि चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन का आविष्कारक, ठीक है? तो यहाँ ए आप याद रखिएगा द गोप चांद, क्या याद रखिएगा? द गोप चांद, ठीक है, यहाँ पे मैं डैश दे रहा हूँ कि आपको याद रह जाए। इसका मतलब हुआ थॉमसन इलेक्ट्रॉन का, जी से हुआ जीओ से गोल्डस्टीन प्रोटॉन का, सी एस ए से चैडविक न्यूट्रॉन का। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जो आप कभी ज़िंदगी में, आप कभी भी नहीं, लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कारक किसने किया था। तो आप याद रखिएगा, एक और पॉइंट था इसका मेन पॉइंट क्या था कि प्रोटॉन का नामांकन रदरफोर्ड ने किया था, आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन वाले हैं, ये आ चुके हैं भी RRB LP टेक्नीशियन में, CVT 1 में आ चुके हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि क्या होता है। तो थैंक यू दोस्त, यदि हमारा वीडियो पसंद लगा होगा तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।